भाई दीपिका और रणवीर का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। तुझे कैसे पता? वो न्यूज में देखा, रणवीर आलिया के साथ फोटो खींच रहा था, दीपिका इग्नोर करके चली गई और रणवीर बेचारा बाजू में रो रहा था। वो बाजू में था? नहीं, उसका फोटो लगाया था रोने वाला। तूने अपने दिमाग को क्या कचरा पेटी समझ के रखा है? ये भोपाली के न्यूज वाले ब्रेकिंग न्यूज के नाम पे कुछ भी बकचोदी फैलते रहते। कल मैं शांति से सो रहा था, मेरा हाथ रिमोट पे गिर गया, आवाज आई ब्रेकिंग न्यूज, सूरज पे लग गई आग। मैं उठ के खिड़की में देखने गया, तब मुझे अंदर से एक गहरा एहसास हुआ कि कोई तुम्हें नींद से उठा के तुम्हारा चूतिया काट के जाएगा और तुम बस देखते रह जाओगे चूतियों की तरह। नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं पंखा चला के न्यूज वालों की लंका जला के डंका बजाऊंगा। सबसे पहले मुझे इन न्यूज एंकरों से एक सवाल है, तुम लोगों को सीधा बात करना नहीं आता क्या? हमेशा भौंकते रहते हो कुत्तों की तरह। वो टीवी में वॉल्यूम बढ़ाने का इन्वेंशन हो चुका है सालों पहले, तुम लोगों को कैरेक्टर में घुसने की जरूरत नहीं है। चैन से सोना है तो लवड़ू तू सोएगा, तभी तो हम चैन से सो पाएंगे। न्यूज दिखा रहा है थिएटर में नाटक चालू, समझ में नहीं आता। कंगना का कुत्ता हो गया फरार, आखिरकार कहाँ गया कंगना का कुत्ता? तुझे क्या करना है? वो तेरे स्टूडियो के नीचे कुत्ते सोते रहते हैं, उनको कभी प्यार से एक बिस्कुट खिलाया तूने? नहीं, क्योंकि कुत्ता कुत्ते को बिस्कुट क्यों खिलाएगा, खुद खाएगा। देखिए कंगना का कुत्ता गलियों में कुत्तियों के साथ रंग रलिया मनाता पकड़ा गया। तू क्या कर रहा था वहाँ? क्वांटम में गया था उसको। कंट्रोल भाई कंट्रोल, पेटा वाले बैंड बजाएंगे। नहीं, इन लोगों को असली न्यूज दिखती नहीं। कंट्री का जीडीपी नीचे जा रहा है, फार्मर्स बेचारे सालों से परेशान, बेरोजगारी आसमान छू रही है, देश में हमारे जैसे सिंगल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वो नागू कब से वाइन शॉप ढूंढ रहा है, उसको वाइन शॉप नहीं मिल रहा। नहीं, इन लोगों को सिर्फ फेमस लोगों के पीछे भागना है, वो नहीं मिले तो उनके कुत्ते बिल्लियों के पीछे भागना है। अरे शर्म करो थोड़ी सी लोडू लोग, सुबह आईने में अपनी शराफत का फिल्टर हटा के अपना थोबड़ा देखो जरा, तब पता चलेगा।